हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका फॉन्ट एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने फॉर्म एट्रीब्यूट्स के ऊपर आप लोगों को बता दिया था, तो इस वीडियो में हम लोग एलिबरेट करके फॉर्म एलिमेंट्स जितना भी होता है उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस लेके इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो आप लोगों का जितना भी फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर जितना भी नॉलेज आप लोगों को लगेगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सम्राट और आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव इनकार्नेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है एक फॉर्म के अंदर। तो स्क्रीन पे देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कि इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट है, ऑप्शन है, ओपीटी ग्रुप मीन्स ऑप्शन ग्रुप है, बटन है और लेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारा है कुछ जो कि मैं यहाँ पर नहीं मेंशन किया हूँ, वो मैं वीडियो चलते चलते आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए अभी एक एक करके जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे करता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि पहले आप लोग आपका जो HTML पेज आपने लास्ट बनाया था फॉर्म टैग को यूज़ करके, उस HTML पेज को अपने एडिटर में खोल लीजिए। खोलने के बाद पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या था कि इनपुट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर इनपुट टैग को लिखते हैं। इनपुट टैग दिखने में ऐसा होता है, आप लोग देख पा रहे हैं जो इनपुट टैग है वो दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आप, मैंने ही बोला था कि HTML में कोई भी टैग अगर ओपन होता है वो क्लोज भी होता है, लेकिन मैंने इनपुट को क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि इनपुट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको अलग से क्लोज करने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप लोग सिंपली यहाँ पर एक स्पेस दीजिए और एक बैक स्लैश दे दीजिए, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग ये वाला नहीं भी देते फिर भी ये वाला जो टैग है ये क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि गुड प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो बैक स्लैश है उसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अभी इसको हम लोग सेव कर देते हैं और अपने ब्राउज़र में इसको चला के देखते हैं कि ये कैसा रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ब्राउज़र में यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आ गया है जहाँ पर हम लोग कुछ लिख पा रहे हैं। तो ये तो गया, हम लोग यहाँ पर लिख पा रहे हैं, लेकिन इनपुट का बहुत सारा टाइप्स होता है। अभी आप लोग बोलेंगे टाइप क्या है? टाइप मीन्स एक इनपुट का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। अभी देखिए इनपुट में बहुत सारा एलिमेंट्स खुद से आ जाता है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर इसको टेक्स्ट लिखा, मीन्स मैंने इसको मेंशन कर दिया कि इस इनपुट बॉक्स में हम लोग टेक्स्ट ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पर ईमेल लिख दिया तो क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने उसको मेंशन कर दिया कि इस इनपुट बॉक्स में हम लोग ईमेल ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। अगर दूसरा कुछ लिखते तो रिस्पॉन्स कैसा आता है आप लोग देखिए। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और एंटर प्रेस किया, देखिए ऑटोमेटिकली वो दिखा रहा है कि प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस। मतलब ये जो इनपुट बॉक्स है इसका जो टाइप है वो ईमेल टाइप का है, मतलब हम लोगों को यहाँ पर ईमेल फॉर्मेट जैसा दिखने को मिलता है उसी फॉर्मेट में हम लोगों को डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जीमेल कर देता हूँ, देखिए ये फॉर्म जो था वो सबमिट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि टेक्स्ट और ईमेल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर कोई नेम देगा, एड्रेस देगा, कॉन्टैक्ट देगा, वहाँ पर भी टाइप में वो सब लिखना पड़ेगा। नहीं, वो सब नहीं लिखना पड़ेगा। मैं जितना भी आपका इनपुट का जितना भी यहाँ पर टाइप्स होता है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला गया हम लोगों का इनपुट का टेक्स्ट देना या ईमेल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। आप लोगों को पता है कोई भी साइन अप फॉर्म में या फिर जहाँ पर हम लोग लॉगिन करने चाहते हैं वहाँ पर यूज़र नेम जो रहता है वो हम लोगों को विजिबल होता है, लेकिन पासवर्ड जो फील्ड रहता है वो विजिबल नहीं होता। हम लोग कोई भी पासवर्ड लिखते हैं तो वो वाला क्या होता है कि डॉट होके आता है या फिर स्टार मार्क होके आ जाता है, लेकिन हम लोगों को जो पासवर्ड है वो कैरेक्टर्स शो नहीं करता। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पर इसमें पासवर्ड डाल देंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो है कुछ भी आप लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड होके आएगा, वो दिखाएगा कुछ नहीं। तो देखिए तीन टाइप यहाँ पर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक एक करके हर एक को पेस्ट कर देते हैं। पहला वाला था टेक्स्ट, तो तीन टाइप यहाँ पर आ गया है। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ब्राउजर में तीन इनपुट बॉक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है।
ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इनपुट बॉक्स किसके लिए बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, इसके लिए हम लोगों को एक लेबल लगेगा जिससे हम लोग इसको मार्क करके रख सकते हैं कि ए वाला इनपुट बॉक्स जो है ये इसके लिए यूज़ होता है। मतलब ए वाला इनपुट बॉक्स नेम के लिए है, ए वाला इनपुट बॉक्स ईमेल के लिए है और ए वाला पासवर्ड के लिए है। तो इसके अंदर हम लोग लेबल कैसे ऐड कर सकते हैं, लेबल एक खुद अलग सा टैग है, वो फॉर्म का एक एलिमेंट भी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी से बाद में जाके जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक आसानी से जो हो जाता है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है जो कि इनपुट बॉक्स में ऐड हो जाता है। यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे प्लेस होल्डर, इसके अंदर अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, नेम लिखा हूँ, देखिए हर एक बॉक्स में नेम आ गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको ईमेल कर देते हैं, इसको पासवर्ड। देखिए अभी आप लोगों को आसानी से पता चल रहा होगा कि कौन सा वाला इनपुट बॉक्स किसके लिए यूज़ होगा। तो चलिए यहाँ पर तो तीन टाइप का जो इनपुट है वो पता चल गया, और भी बाकी बहुत कुछ है इनपुट का टाइप, तो उसको भी हम लोग अभी धीरे धीरे जान लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी फॉर्म अगर हम लोग सबमिट करते हैं वहाँ पर हम लोगों का जेंडर जो है वो भी हम लोगों को डालना पड़ता है, जैसे कि मेल फीमेल ऑप्शनल जो वैल्यूज़ रहता है, ठीक है, वो भी हम लोगों को डालना पड़ता है। तो उस जो वो जो रेडियो बटन है उसको क्रिएट कैसे करें, उसको क्रिएट करने के लिए भी हम लोग इनपुट का ही सहारा लेते हैं। इनपुट यहाँ पर टाइप में जाकर आपको रेडियो लिखना पड़ेगा, और इसको आप लोग क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर जो भी आप लोगों को लिखना है आप लिख दीजिए। मेल रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर देखिए कि इनपुट बॉक्स आ गया जो डॉट हो रहा है, लेकिन ऑप्शनल वैल्यू भी हम लोगों को लगेगा। तो यहाँ पर फिर से मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, सॉरी, और यहाँ पर जाके हम लोग फीमेल लिख देते हैं। तो देखिए दो आ गया है, अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी क्लिक करते हैं, देखिए दोनों जगह पे ये क्लिक हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला तो ऑप्शनल वैल्यूज होगा ना, नहीं तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इसको ऑप्शनल कैसे बनाए, इसको ऑप्शनल बनाने के लिए आप लोगों को जो नेम एट्रीब्यूट है इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस नहीं किया था, तो चलिए अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये जो नेम एट्रीब्यूट है ना, इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे उसी के थ्रू इसका जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिलता जाएगा। ठीक है, अभी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, लेकिन ये आप अपने नोट करके रखिए कि नेम एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे उसी के नेम से ए वाला जो इनपुट फील्ड है वो जाना जाएगा, मतलब पहचाना जाएगा। हम लोग किसी भी जगह पे जब हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों को लगेगा, तब हम लोग इसी नेम के थ्रू उसका जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग लेके जाएंगे। सिर्फ नेम के थ्रू ही नहीं, बहुत कुछ है, क्लास है, आईडी है, वो सब के थ्रू भी लेके जा सकते हैं, लेकिन नेम एक बहुत महत्वपूर्ण आपका एक एट्रीब्यूट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ जेंडर, और इसके अंदर भी हम लोग लिख देते हैं जेंडर। तो सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए जब मैं दोनों साइड में क्लिक करूँगा ना, देखिए ये ऑप्शनल हो गया है अभी। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों को ये वाला पता चल गया होगा कि नेम एट्रीब्यूट जो है वो इनपुट टाइप रेडियो जब होता है, मतलब ऑप्शनल वैल्यूज़ जब रहता है, तो दोनों का ही जो नेम होता है उसको हम लोगों को सेम रखना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑप्शनल शो करेगा, मतलब ना या फिर ये नहीं तो वो वाला। ठीक है, तो इसी के साथ इसको भी बंद कर देते हैं। अभी देखिए रेडियो एक ऐसा मतलब इनपुट टैग है जिसमें वैल्यू जो हम लोग बाहर लिखे हैं मेल या फिर फीमेल ये समझ नहीं पाएगा, ये सिर्फ हम लोगों को देखने के लिए है कि ये वाला मेल के लिए है, ये वाला फीमेल के लिए है। तो इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू जो है उसको भी डिफाइन करके रखना पड़ेगा। तो वैल्यू भी एक खुद सा आपका एट्रीब्यूट है जहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर आप लोग सिंपली इसको लिख के रखिए कि मेल और ये वाला है फीमेल। जब हम लोग पीएचपी सीखेंगे, ठीक है, मेरा पीएचपी का भी प्लेलिस्ट आएगा, तब आप लोगों को ये जो आपका जो वैल्यूज़ है मतलब नेम्स है ये सब कुछ आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे कैसे ये वाला रिस्पॉन्स करता है। तो तब तक के लिए आप लोग नॉर्मली इसको समझ के रखिए, बाद का जो है वो हम लोग बाद में सीखते जाएंगे। तो इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों का नेम आ गया, ईमेल हो गया टाइप, साथ ही साथ पासवर्ड भी हो गया और रेडियो हो गया।
अभी आते हैं चेक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, चेक बॉक्स में क्या होता है कि आप लोगों को पता है बहुत सारे जगह पे, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं जहाँ पर लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ वो लैंग्वेज पे मार्क करना है जो जो लैंग्वेज आप लोगों को पता है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, कुछ भी है, ठीक है, आप लोगों को चेक कर रहे हैं, तो आप लोग जो जो जानते हैं सिर्फ उसी के ऊपर आप लोग चेक करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो उस टाइप का चेकबॉक्स आप लोग क्रिएट कैसे करेंगे? उस टाइप का चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए आप लोगों को फिर से इनपुट एक बॉक्स लेना पड़ेगा, जहाँ पर टाइप है वहाँ पर आप लोगों को चेक बॉक्स लिखना पड़ेगा। करने के बाद आप बाहर जाके जब रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चेकबॉक्स आ गया है। ठीक है, तो चेकबॉक्स जब ही आ गया मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि वो वाला चेकबॉक्स किसके लिए है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंग्लिश, ठीक है, इसका भी आप कोई नेम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेम ऑलवेज मैंडेटरी है, कोई भी इनपुट फील्ड का फील्ड मतलब कोई भी फॉर्म एलिमेंट का जो भी रहेगा उसका नेम मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर इसका यूजेज नहीं होगा, इसलिए मैं नेम जो एट्रीब्यूट है उसको मैं ब्लैंक करके छोड़ता हूँ, इसका वैल्यू मैं डाल देता हूँ कि इंग्लिश है ये वाला। ठीक है, क्यों नहीं नेम का जो है फील्ड वो रेडियो बटन में क्यों मैंडेटरी था और यहाँ पर क्यों नहीं है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि देखिए अभी रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए हर एक चेकबॉक्स हम लोगों का आ गया है अभी। ठीक है, देखिए रेडियो बटन के टाइम में क्या होता था कि वो ऑप्शनल वैल्यू है, लेकिन चेकबॉक्स तो ऑप्शनल नहीं है ना, चेकबॉक्स तो हम लोगों को जो जो पता है सिर्फ उसी को चेक करना है, बाकी तो नहीं छोड़ देना है। तो इसीलिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, जिनको सब पता है वो सब में क्लिक करेगा, जिसको सिर्फ इंग्लिश पता है वो सिर्फ इंग्लिश में रख के छोड़ देगा, जिसको इंग्लिश बंगाली पता है वो इंग्लिश बंगाली करेगा, अगर हिंदी पता है तो। तो ये क्या है कि मल्टीपल चॉइस टाइप का है, ठीक है, आप लोगों को जो जो है मतलब लगेगा, ठीक है, उसमें आप लोग चेक करके रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो हम लोगों का जो चेकबॉक्स है टाइप वो भी यहाँ पर कवर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट जो इनपुट का और एक टाइप आता है उसमें भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं वैल्यू डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है इसका। पहले यहाँ पर देखिए एक बटन आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ डाल देते हैं कि सबमिट करके डाल देते हैं वैल्यू सबमिट। देखिए ऑटोमेटिकली बटन के अंदर सबमिट जो नेम है, ठीक है, मतलब हम लोग जो लेबल वहाँ पर दिए हैं वैल्यू में वो आ गया है। ठीक है, ये भी एक इनपुट का टाइप है, सिर्फ बटन ही नहीं, इस यहाँ पर इनपुट टाइप एक सबमिट नाम का भी एक टाइप होता है। ठीक है, इनपुट टाइप सॉरी सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी आप लोग बोलेंगे कि बटन और सबमिट के अंदर डिफरेंस क्या है। अभी बटन और सबमिट के अंदर डिफरेंस यही है कि अगर आप लोग बटन करके रखेंगे तो पेज जो है वो रीलोड नहीं होगा, मतलब पेज आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, और अगर आप लोग इनपुट का टाइप जो है वो अगर सबमिट करेंगे तो जब भी आप लोग उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यह है बटन सबमिट और यह है नॉर्मल सबमिट। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हैं पेज जो है फॉर्म, ठीक है, ये रीलोड नहीं हो रहा है, मतलब फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी मैं सबमिट में क्लिक करूँगा देखिए देखिए रीलोड हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यही है बेसिक डिफरेंस, ठीक है, कि बटन और सबमिट के अंदर। तो बटन और सबमिट दोनों ही बहुत यूज़फुल चीज़ है, तो बाद में जाके जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी करेंगे या फिर पीएचपी में कोडिंग करेंगे, तब जाके आप लोगों को और अच्छी तरीके से ये वाला पता चल जाएगा कि ये वाला कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए ये तो गया इनपुट का जितना भी टाइप्स है वो मैं एकदम खोल खाल के आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? टेक्स्ट एरिया को यूज़ करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट एरिया टैग। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग था,
वो ऑटोमेटिकली खुद से क्लोज हो जाता था, लेकिन टेक्सटेरिया जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इसीलिए टेक्सटेरिया का टैग जब भी आप लोग ऑन कीजिएगा उसको क्लोज ऑब्वियसली कीजिएगा, नहीं तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो टेक्सटेरिया रिस्पॉन्स कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेक्सटेरिया आ गया है, तो अभी बोलेंगे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और टेक्सटेरिया तो काम एक ही करता है, ठीक है, तो अलग से टेक्सटेरिया लेने का ज़रूरत क्या है। तो माई फ्रेंड, इनपुट जो है वो छोटा मोटा स्ट्रिंग के लिए, जैसे कि नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी लेने के लिए आप लोग इनपुट बॉक्स मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों को लंबा चौड़ा कुछ लिखना पड़ेगा, बायो लिखना पड़ेगा, या फिर आपका कोई भी एड्रेस लिखना पड़ेगा, या फिर दूसरा कोई भी जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स लेगा, उस जगह उस टाइप के सिचुएशन पे आप लोगों को टेक्सटेरिया लेना पड़ेगा ही, नहीं तो आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी इसका भी एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर में लिख देते हैं कि ये वाला सब एड्रेस है, ठीक है, नॉर्मल सा एड्रेस है ये। तो देखिए यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आ गया है, यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे हैं प्लेस होल्डर में एक रीसाइज का ऑप्शन भी रहता है, देखिए देख पा रहे हैं आप लोग, इसको बड़ा छोटा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा भी लगे कि आप लोगों को सेट करके रखना है, ठीक है, जैसे कि कितना रो रहेगा कॉलम, टेक्सटेरिया में रो कॉलम्स भी रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि रोज़ जितना भी है, मैं यहाँ पर 5 कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये थोड़ा लार्ज हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेट होकर रहेगा ये वाला। और अगर हम लोगों को कॉल्स चाहिए होगा, यहाँ पर भी मैं 5 कर रहा हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो सेट कर रहा है कितना कॉलम्स। तो ऐसे करके आप लोग इसको भी सेट करके रख सकते हैं। तो टेक्सटेरिया आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेक्ट बॉक्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिलेक्ट बॉक्स क्या है, सिलेक्ट बॉक्स कुछ नहीं है, आप लोगों को जो ड्रॉप डाउन कोई भी फॉर्म में ड्रॉप डाउन जो देखने को मिल जाता है वही एक सिलेक्ट बॉक्स है। तो ये है एक सिलेक्ट बॉक्स जहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट टैग को ओपन किया और सिलेक्ट जो टैग है उसको हम लोग क्लोज किए। तो इस सिलेक्ट टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक सब चाइल्ड आता है जिसका नाम है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन को हम लोग एक यहाँ पर बनाए और इसको सेव कर दिए। तो देखते हैं पहले ब्राउजर में इसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। अभी देखिए एक ड्रॉप डाउन आया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यूज वगैरह कुछ डाला हुआ नहीं है, ये एकदम नॉर्मल सा एक ड्रॉप डाउन आ गया है। तो इस ऑप्शन के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे कि HTML, तो इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर HTML आ गया है। तो यहाँ पर दूसरा और एक ऑप्शन डाल देते हैं, दो चार डाल देते हैं यहाँ पर, पहले CSS, तो यहाँ पर सब ऑप्शंस हमने डाल दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया है ड्रॉप डाउन में। तो ड्रॉप डाउन में तो सब कुछ आ गया, तो हम लोगों का जो पहला ऑप्शन रहेगा ना वो एक हम लोग इसको एक लेबल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि HTML तो एक लेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले और एक ऑप्शन डाल देता हूँ जहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सिलेक्ट एनी वन करके, मैं यहाँ पर लिख दिया, इसको सेव किया। तो देखिए पहला वाला जो है वो सिलेक्ट एनीवन आ गया है। तो जैसे हम लोगों का चेकबॉक्स और रेडियो में भी हम लोगों को जो वैल्यू है उसका, ठीक है, उसको दे के सेट करके रखना पड़ता था, तो सिलेक्ट बॉक्स के लिए भी ये मैंडेटरी है कि आप लोग हर एक ऑप्शन के अंदर उसका जो वैल्यू है उसको सेट करके रखें, अदरवाइज ये जो ऑप्शन का जो वैल्यू है वो नल आ जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ सेट नहीं रहेगा। ये जो HTML है, CSS है, ये सिर्फ आपके लिए है, मतलब आप लोग देख पाएंगे, आप लोगों के पास विजिबल होगा, लेकिन इसके अंडर कोई वैल्यू सेट किया गया नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि वैल्यू कैसे सेट करना है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर जाएंगे, स्पेस देके वैल्यू, और इसके अंदर आप लोगों का जो भी वैल्यू है इसको आप लोग पेस्ट कर देंगे। देखिए ये वाला जो है वो सेव हो गया है। तो देखिए अगर आप लोग अभी तक ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइन कमेंट नहीं करते, सिर्फ इसको वॉच करके छोड़ देते हैं, तो एक दिन ये वाला वीडियो जो है ना वो एकदम यूट्यूब से गायब हो जाएगा, मतलब किसी को सजेस्ट नहीं करेगा। मुझे पता है कि अगर आप लोगों को ये वाला यूज़फुल लग रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा टेक्निक पर आने का, तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कमेंट करके रखिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मैं टॉपिक में वापस आ जाता हूँ। तो वैल्यू तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसका जो भी वैल्यूज़ है ना वो सेट हो चुका है वहाँ पर, ठीक है।
तो ये गया आपका सिलेक्ट का ऑप्शन जो है, ऑप्शन का एक एग्जाम्पल। अभी देखिए सिलेक्ट का और एक रहता है जो है ओपीटी ग्रुप, जो कि मैंने आप लोगों को पहले एकदम इंट्रोडक्शन में बोला था कि ओपीटी ग्रुप मतलब ऑप्शन ग्रुप करके। सिलेक्ट बॉक्स में बहुत सारे टाइम पे ग्रुप्स क्रिएट करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इंडिया में है, इंडिया में इतना सारा स्टेट्स है, हर एक स्टेट्स के अंदर इतना सारा सिटीज़ है, ठीक है, उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम लोग उसको एक ही साथ ऐसे एक एक करके ऑप्शन में डाल देंगे। तो इससे आसानी है कि हम लोग इसको एक ग्रुप बना ले, उस ग्रुप के अंदर हम लोग एक एक करके इसको सेट करें। तो इसका जो ग्रुप है, ग्रुप कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका इसी को पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ओपीटी ओपीटी ग्रुप करके इसको मैं डाल दिया, इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। देखिए ओपीटी ग्रुप का जब हम लोग एक लेबल देंगे तो लेबल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉर्मली लेबल लिखेंगे और एक इक्वल टू डबल कोटेशन दे देंगे या फिर सिंगल कोटेशन आपको जो लगेगा। लेबल भी एक एट्रीब्यूट के हिसाब से यहाँ पर काम करेगा, जहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये है वेब डिजाइनिंग, यह है वेब डिजाइनिंग डिजाइनिंग का पार्ट्स। तो क्या होगा जब भी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए वेब डिजाइनिंग के अंदर ये सब आ गया है। अभी अगर हम लोग कोडिंग के लिए यहाँ पर कुछ बनाएंगे तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट जाइए वेब डेवलपमेंट करके आप यहाँ पर दूसरा कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दो ऑप्शन हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर वेब फ्रेमवर्क्स, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि पीडीओ, कुछ भी डाल दिया यहाँ पर। देखिए अभी देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्रुप है ना, ग्रुप्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हर एक ग्रुप के अंदर देखिए उसका अलग अलग वैल्यूज है। तो ऐसे करके आप लोग ओपीटी ग्रुप जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सिलेक्ट बॉक्स का जो भी है उसका जो फंक्शंस है, मतलब कैसे रिस्पॉन्स करता है नहीं करता है, वो पता चल गया होगा। तो यहाँ पर भी नेम हम लोग, ये जो सिलेक्ट मेन बॉक्स है यहाँ पर हम लोग नेम देते हैं। आप लोगों को पता है मैंने एक्सप्लेन किया था नेम क्यों देना मैंडेटरी है या फिर क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसमें आते हैं कि बटन्स, ठीक है। तो देखिए इन बटन क्रिएट करने का दो तरीका है, ठीक है। एक आप लोग इनपुट बॉक्स के अंदर वो टाइप बटन या फिर सबमिट डाल के भी बटन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बनाया था, आप लोगों को पता है कि ए वाला, ये दो बटन्स मैंने उसको यूज़ करके बनाया था। लेकिन बटन एक खुद का भी टैग है, ठीक है, बटन एक खुद टैग है जिसको यूज़ करके भी आप लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं, जिसका देखिए बटन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेव करके इसको हम लोग यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर और एक बटन क्रिएट हो गया है, ठीक है, जैसा पूरा सेम है, एकदम सेम है। इनपुट टाइप बटन यूज़ करेंगे तो भी जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर भी सेम रिस्पॉन्स आएगा, सिर्फ जो टैग है वो दिखने में अलग है। यहाँ पर भी आप लोग टाइप जो है वो उसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर भी आप लोग बटन या फिर सबमिट दे रहे थे, यहाँ पर भी आप लोग सेट कर सकते हैं बटन या फिर सबमिट। तो मैं यहाँ पर और एक बटन ले लेता हूँ, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, बटन सबमिट, नॉर्मल सेव, बटन सेव। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए जो बटन सेव है इसमें क्लिक कर रहा हूँ। नॉर्मल आपको पता है कि टाइप अगर बटन रखेंगे तो ये वाला जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है, उसको अलग किसी तरीके से उसको सबमिट करना पड़ता है। अगर नॉर्मल सबमिट में क्लिक करेंगे तो देखिए एज यूजुअल वो सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पर जितना भी था मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो मैं एक इनपुट का टाइप जो है वो मैं मिस कर गया था, ठीक है, आई एम सॉरी कि वो जो टाइप है वो है एक नंबर, ठीक है। तो इनपुट का जैसे पासवर्ड भी एक टाइप था, वहाँ पर नंबर करके भी एक टाइप है, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट लिख देखता हूँ। तो जैसे ही आप लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर सिर्फ आप लोग जो नंबर है ना, नंबर भी डायल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक करके इसका जो फॉर्मेट है कुछ दूसरी तरीके से दिखाता है, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट का टाइप है। तो और एक इनपुट का टाइप होता है जो है कि इनपुट टाइप फाइल्स। ये इनपुट टाइप फाइल काम क्या करता है, इनपुट टाइप फाइल का काम यही है कि जब भी हम लोगों को पता है कि कोई भी फॉर्म में अगर हम लोगों को कोई इमेज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर
अपलोड करना है तो वहाँ पर एक ब्राउज का ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम लोग फाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो उस ऑप्शन को लाने के लिए हम लोग इनपुट टाइप फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो टैग है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, इनपुट टाइप के अंदर हम सिर्फ इसका जो टाइप है टाइप को चेंज कर देंगे, लिख देंगे फाइल। करने के बाद आप लोग सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जब आप अपने ब्राउज़र में जाके इसको चेक करेंगे तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिखाएगा। देखिए यहाँ पर एक ब्राउज का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर जब भी आप लोग ब्राउज में क्लिक करेंगे देखिए ये वाला ब्राउज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जाके आप लोग कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या पता चला, इनपुट का जितना भी टाइप्स है वो पता चल गया, टेक्स्ट एरिया पता चल गया, सिलेक्ट बॉक्स, बटन, इन सब के बारे में आप लोगों को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अभी एक लास्ट है जो मैं अभी अंत में आप लोगों को बता देता हूँ, वो है लेबल। ठीक है, देखिए प्लेस होल्डर जो है वो तो ठीक है, प्लेस होल्डर में हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन एक इनपुट फील्ड में या फिर कोई भी फॉर्म एलिमेंट के ऊपर एक लेबल होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस जो लेबल को हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे या फिर उस लेबल को कैसे लिखते हैं वो आप लोग देख लीजिए। उसको लिखने के लिए लेबल जो टैग है उसको हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे कि ये वाला नेम है। जब भी आप लोग रिफ्रेश करेंगे देखिए एक लेवल यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ पर बियर कर देता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ लाइंस को। देखिए नेम एक लेवल और उसके नीचे ये वाला आ गया है। फिर से और एक लेवल दे देते हैं, ये जो है ये ईमेल के लिए है। फिर से बियर जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही करके एक एक लेवल आप लोग डालते रहेंगे और उसको बियर करते रहेंगे। ठीक है, करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो एकदम ठीक ठाक सा आ जाएगा, मतलब लेबल का जो यूजेज है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो लेबल एक टैग है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इनपुट बॉक्स का लेबल को दूसरी जगह पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग फॉर्म का जो भी एलिमेंट्स रहता है उसको ही लेबलिंग करने के लिए लेबल टैग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही करके आप लोग पूरा जो फॉर्म है उसको लेबलिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी भी मेरा CSS का जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट नहीं किया तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जाइए CSS का जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं CSS को ऊपर भी बहुत कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें CSS थोड़ा थोड़ा करके अभी आएगा। अगर CSS का प्लेलिस्ट आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैं ऊपर आई बटन में CSS का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप लोग डेफिनेटली जाके चेक कीजिएगा। और हाँ, ज़रूर आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो ये जितना भी मेरा मेहनत है आप लोगों के लिए, मैं जितना भी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ये सब क्या होगा अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होगा वो सजेशन में भी नहीं आएगा, आपके टाइमलाइन में भी नहीं आएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये वाला वीडियो कब आया। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं, और उसको जो बाजू में जो आपका जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। एंड हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग।